आदि पुरुष में प्रभास के किरदार राघव की डबिंग करने वाले शरद केलकर बोले फिल्म अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड एक्टर शरद केलकर एसएस राजामौली की बाहुबली फ्रेंचाइजी में प्रभास की आवाज बनने के लिए जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से पुष्पा मूवी अल्लू अर्जुन की आवाज को सुरेश तलपड़े ने हिंदी में डब किया था, उसी तरह से बाहुबली मूवी में प्रभास की आवाज को शरद केलकर ने हिंदी में डबिंग किया था। और अब एक बार फिर शरद केलकर डायरेक्टर ओम राउत की आने वाली फिल्म आदि पुरुष में प्रभास के किरदार राघव की आवाज को हिंदी में डब की है। एक तरफ जहां आदि पुरुष के निर्माताओं को फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, तो वहीं शरद केलकर का कहना है कि डबिंग के दौरान जब उन्होंने आदि पुरुष को देखा तो ये फिल्म उनको काफी अच्छी लगी थी। शरद केलकर का कहना है कि अब तक किसी ने डबिंग के बारे में कोई भी शिकायत नहीं की है, इसलिए आगे भी फिल्म के बारे में अच्छा ही होगा। ये फिल्म हर किसी को देखने चाहिए और फिल्म को देखने के बाद आप सभी को राम सीता के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये कहना है बॉलीवुड एक्टर शरद केलकर का। फ्रेंड्स, आप सभी को बताते चले, अभी हाल ही में शरद केलकर ने फिल्म दशहरा के हिंदी वर्जन में नानी की आवाज को हिंदी में डब किया था। शरद केलकर ने आगे बताया कि आदि पुरुष की डबिंग करने के बाद प्रभास ने उन्हें गले लगाया और कहा कि आप बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, आप किसी भी मलयालम एक्टर की आवाज को हिंदी में डब कर देते हैं, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। तो फ्रेंड्स, क्या आप सभी को पता था कि बाहुबली और आदि पुरुष के हिंदी वर्जन को बॉलीवुड एक्टर शरद केलकर ने अपनी आवाज दी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो दो चैनल पे पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।